नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं जयपुर मोहना मंडी में। आज 8 जुलाई 2024 सोमवार का दिन है और लहसुन में क्या अपडेट देखने को मिल रहा है हमें तोताराम भाई के पास, चलिए जान लेते हैं आज का अपडेट क्या बाजार रहा, कितनी आवक रही, ग्राहकी कैसी चली, कहाँ कहाँ से माल आ रहा है, क्वालिटी देख सकते हैं। बिका है सर? सर क्या भाव बिका ही? 100 रुपये बिका, बहुत कैसे हो सर? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया यादव जी, आप सुना? बढ़िया बढ़िया सर। तो सर सबसे पहले तो आवक की बात कर लेते हैं। आवक 500 बटे की आवक होगी। अच्छा जी, अच्छा सर, अपना लोकल होगा कुछ एमपी का होगा? कोटा बेल्ट का माल। हाँ, मतलब कोटा का और एमपी का। और सर हिमाचल का भी देखने को मिल रहा है क्या? हिमाचल मेरे को तो आइडिया नहीं है, मेरा हिसाब से आया नहीं है हिमाचल। अच्छा जी, अच्छा, और आज ही कोई आया वो तो पता नहीं है, पहले नहीं था। और सर जैसे कुछ मंडियों में चोरी छुपे है, जैसे इंदौर की मंडी की भी आपने को सूचना लगी होगी कि वहाँ उतरने नहीं दिया किसानों ने और व्यापारियों ने, तो चाइनीज अगर माल आता है तो उसका बहिष्कार होना चाहिए सर? बहिष्कार होना चाहिए, बिल्कुल बहिष्कार। हमारे पास तो एक पार्टी का फोन आया था। अच्छा जी, तो मैंने मना कर दिया उनको, भाई साहब हम चाइना का माल लीगल आएगा अनलीगल आएगा दोनों तरीके से नहीं बेचेंगे। बिल्कुल, क्योंकि सर माल वही है, अपना अपना बेचो ना सर, जो दो पैसे किसानों को मिले सर। हमारे पास व्यापारियों का आ रहा है माल तो इसी पे सबर है हमारे को। बिल्कुल, हम यही बेचेंगे, वो चाइना का किसी तरीके का माल नहीं बेच पाएंगे। बिल्कुल सर, और उसमें कोई ऐसा ज़्यादा बेनिफिट, लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा बेनिफिट है, ऐसा कुछ नहीं है सर? वही भाव तो यही कि आड़त मिलती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी से हम ज़्यादा पन पे हैं। तो सर उसमें ग्राहकी भी तो नहीं होती? हिंदुस्तान का ही बेचें, इसी पे सफर रखेंगे। बिल्कुल, 12 महीना इसी से हमारा काम चलता है। और अगर सभी व्यापारी एक जैसे हो जाएं, एक बराबर हो जाएंगे कि भाई बहिष्कार करेंगे, मेरे हिसाब से फिर वो लहसुन दोबारा आएगा भी नहीं। अगर हर व्यापारी की एक ही सोच हो जाएगा, हमारे को बाहर का माल बेचना नहीं है, चाइना का हो तो हमारे को बेचना ही नहीं है, तो वो फिर कोई मंगाएगा ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो सर बात करते हैं आज के भाव की, तो आज क्या बाजार खुला है? बाजार तो यहाँ पे जयपुर में चल रहे हैं जो समान भाव चल रहे हैं, यानी कि 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक, 200 रुपये तक बढ़िया माल बिक रहे हैं। हाँ, अच्छे माल। बिल्कुल बिल्कुल। और सर नीचे की पोजीशन क्या है सर? नीचे में तो देखो सेंट्रेड माल के कोई भाव नहीं है, 20-25 रुपये किलो भी बिक जाते हैं सेंट्रेड माल। अच्छा जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। और सर कलियों का क्या बाजार रहा? कली अच्छी कली तो भाई साहब 100 रुपये से 110 रुपये तक, 100 से 110 का बाजार है। ठीक है जी, क्वालिटी अनुसार देख लेते हैं। ये वाला सर क्या विकास इसकी? ये वाले सेंटेड माल हैं। अच्छा जी, अच्छा, इनके कोई भाव नहीं है फिक्स। अच्छा, अगर ये माल अच्छा माल हो तो 130-140 रुपये की पोजीशन। बाहर से तो अच्छा लग रहा है पर अंदर से बिल्कुल खत्म है, ये खत्म हो चुका है, इनके ये 20-25 रुपये के भाव है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये वाला 160 रुपये का, 160 रुपये का बाजार रहा, बहुत बढ़िया। ये क्या पोजीशन रहा सर? 170 रुपये किलो, 170। 200 वाला अपने पास? 200 वाला अपने पास नहीं अभी, नहीं है। और ये सर क्या बता रहा? 170 रुपये। 170 रुपये। ये बाहर से है सर, कहाँ से आया माल ये? बाहर, ये कोटा बेल्ट के माल। अच्छा जी, अच्छा, बहुत बढ़िया सर। तो सर क्या संभावना रह रही है आगे कुछ? संभावना तो देखो इस साल तूफानी तेजी आएगी, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा जी, वो कभी भी आ सकती है, तो किसानों को माल रोकना चाहिए सर? अगर बढ़िया अच्छा माल है तो रोक के चले, और घर में गुंजाश है तो रोक के चले, नहीं तो वैसे भाव अभी भी अच्छे हैं, जरूरत अनुसार काम करते रहे किसान भाई। बिल्कुल, ये कि धैर्य से काम करेंगे तो इस साल अच्छे भाव मिलेंगे। सर अंदाज़ा होगा कितना परसेंट अभी माल किसानों के पास या जो व्यापारी है उनके पास बचा होगा? सारा माल मिला के माने तो अभी 50% माल होगा एमपी और राजस्थान का मिला, सारा मिला के। बिल्कुल, उसमें 10% तो देखो शिकायत हो चुकी, 10% शिकायत होगी, 10% बीज में भी जाएगा, बीज में भी जाएगा, खाने 30% बचा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी कभी भी तूफानी तेजी आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी कह नहीं सकते कभी कहां तक जाएगी सर, कभी भी आ सकती है और कब आ सकती है सर? कब आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। सर अपना मोबाइल नंबर, फर्म का नाम? फर्म का नाम है धनी देवी एंड कंपनी, दुकान नंबर A14 आलू ब्लॉक, मोबाइल नंबर 9982330400। जिस किसान भाई को, व्यापारी भाई को हमारे यहाँ माल बेचना है, खरीदना है, वो संपर्क कर सकते हैं। चलो जी, धन्यवाद।